आज हमारे किचन में बनने वाली है अदरक लहसुन हरी मिर्च की चटपटी सी अचार, वो भी इंस्टेंट। घर पे रखी हुई सारी सामग्री से ही हम बनाएंगे, बाहर से कुछ नहीं लाएंगे, ना रखने का झंझट ना बनाने का झंझट। फटाफट ही हम बनाएंगे आज तीखी चटपटी अचार। और इसके साथ ही मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, और इसे देखकर और इसे खाकर आपको अपनी मम्मी दादी की याद आने वाली है, क्योंकि मैं बिल्कुल उनकी ही मेथड से आज अचार बनाने जा रही हूँ। हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जुनस किचन तड़का में। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही पॉजिटिव होंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और बनाते हैं आसान से चटपटी अचार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगने पे लाइक करें, ना लगने पे डिसलाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ज़रूर से मुझसे जुड़े रहने के लिए कमेंट करें। लहसुन अदरक और हरी मिर्च की अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 100 ग्राम मिर्च ले ली है, हरी मिर्च 100 ग्राम मैंने लहसुन ले ली है, और 100 ही ग्राम मैंने अदरक ले ली है। तीनों ही मात्र एक बराबर से मैंने ले ली है। मैंने अदरक को धोकर छिलकर सुखा लिया है, मतलब कपड़े से पोंछ लिया है। लहसुन के साथ भी मैंने ऐसे ही किया है, धोकर छिलकर सुखा लिया था। हरी मिर्च को भी हमने धोकर सुखा लिया है। इसमें नमी नहीं होनी है बिल्कुल भी, किसी भी किचन टॉवल के साथ आप इसको ड्राई कर लें धोने के बाद। और जो ये हरी मिर्च के पीछे जो डंडी होती है ना, इसे भी निकाल लें, ठीक है। इस तरीके से पीछे की डंडियाँ सारी ही निकाल लें। अब हम क्या करेंगे, आधी लहसुन आधी अदरक आधी हरी मिर्च को चॉप कर लेंगे, और आधी आधी हम ऐसे ही रखेंगे उसे बड़े बड़े पीसेस में डालने के लिए। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, आप हाथ से चॉप कर लें, या तो फिर ग्रेटर है इस तरीके की तो इससे भी आप चॉप कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है। अगर एक ग्रेटर को बहुत आसानी से नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगी और बहुत चीप में मिल जाएगी, और किचन का काम भी थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं इस चॉपर के साथ सारी चीज़ें चॉप कर ले रही हूँ। यहाँ पे हम अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, अदरक को ऐसे ही नहीं डाल देना, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके हम चॉप कर लेंगे, और थोड़ा सा अदरक हम बचा लेंगे, इसको हम लंबे लंबे पीसेस में कट करके डालेंगे। तो यहाँ पे मैं चॉप कर रही हूँ, और इसके बाद हम इसे भी कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पे हमारी अदरक भी कद्दूकस हो चुकी है। अगर आप चॉप नहीं करना चाहते हैं तो आप अदरक लहसुन के बड़े बड़े टुकड़े कर लें और हरी मिर्च के चीरा लगा के आप तैयार कर लें इस अचार को। पर ये अचार इंस्टेंट आपको खाने के लिए हो जाएगी, बनकर तैयार हो जाएगी, और बड़ी बड़ी रखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको रेडी होने के लिए। यहाँ पे हमारी अदरक लहसुन तैयार हो गई है। अब हम हरी मिर्च को भी चॉप कर लिए हैं, इसे भी हम डाल देते हैं बाउल में। सारी ही चीज़ों को, अदरक लहसुन हरी मिर्च को, हम आपस में मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने मिला लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बचा ली थी ना, थोड़ी सी अदरक थोड़ी सी लहसुन थोड़ी सी हरी मिर्च, उसे हम बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च को काट लिया है। काटने का भी चॉइस बिल्कुल आप पे है, आप जिस तरीके से काटना चाहें, जिस भी शेप में आप काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ काट ली है। अब उन तीनों को भी हम डाल देंगे बॉल में, सारी चीज़ें हम ले लेंगे। जितनी हमारी अदरक लहसुन थी सारी ही हमने बॉल में ले ली है। अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं थोड़े से मसालों की तरफ। यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले नमक। नमक यहाँ पे हम 2 चम्मच लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे कलौंजी 1 चम्मच। 1 चम्मच लेंगे हम अजवाइन। 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब हम लेंगे चीनी। और यहाँ पे हम लेंगे विनेगर, वाइट विनेगर। इससे ना हमारी जो अचार है इंस्टेंट तैयार हो जाएगी, और इसमें खट्टापन का टेस्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 चम्मच विनेगर ले रहे हैं। और यहाँ पे हम ले रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। अब हम इन सभी को आपस में अच्छे से मिला लेंगे, और इसे ढककर हम 1 घंटे से 1.5 घंटे तक इसको रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि विनेगर इन सभी में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। ढककर आप अच्छे से छोड़ दें, और इसे रखने के बाद हम कुछ मसाले और तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच पीला सरसों, 1 चम्मच लेंगे हम धनिया साबुत, 1 चम्मच लेंगे हम काली सरसों, 1 चम्मच हम लेंगे सौंफ, 1/2 चम्मच लेंगे हम काली मिर्च, 1/2 चम्मच लेंगे हम मेथी, 1/2 चम्मच लेंगे हम जीरा। सारी ही चीज़ें हमने साबुत ले ली है। अब इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे।
जब तक इसमें अच्छे से खुशबू ना आ जाए। जब ये अच्छे से खुशबू देने लगी तो हम स्टोव को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो ड्राई मसाला था तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक तड़का पैन लेंगे और इसमें हम 5 से 6 चम्मच बड़ी चम्मच हम सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल अचार के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हम सरसों का तेल लेंगे। पर हम यहाँ पे सरसों का तेल गरम करके लेंगे क्योंकि इससे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, और साथ ही जब सरसों के तेल हम गरम करते हैं तो आंखें जलने लगती है, वो ना हो तो एक ट्रिक है, इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। सरसों के तेल को ठंडा होने देंगे, साथ ही यहाँ पे जो हमने मसाला भून कर रखा था उसे हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अचार को हमें दरदरा कूटना है, दरदरा ग्राइंड करनी है, बारीक बिल्कुल नहीं करनी है, महीन बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हम इस मसाले को अचार के लिए यूज़ करेंगे और अचार में थोड़ा दरदरा मसाला ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारी मसाला जो है तैयार हो गई है। यहाँ पे हमारी तेल ठंडी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम छोटी चम्मच से 1/2 चम्मच हींग लेंगे, 1/2 चम्मच हम हल्दी लेंगे, 1 भरकर चम्मच हम काश्मीरी लाल मिर्च लेंगे। इन सभी से हमारी अचार का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब हम लेके चलते हैं इसे। यहाँ पे हमारी जो मिक्सचर मिलकर 1 घंटे से 1.5 घंटे तक हो चुकी है, बहुत अच्छे से मैंने इसको रेस्ट ले रख दिया था। अब जो हमने ड्राई मसाला जो कूट कर रखा है, ग्राइंड करके रखा है, उसे लेंगे। यहाँ पे मैं 2.5 चम्मच के करीब ले रही हूँ मसाले को, पूरा मसाला हम नहीं यूज़ करेंगे, जितने की ज़रूरत है उतनी ही करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें चटपटा सा स्वाद लाने के लिए आमचूर पाउडर 1 चम्मच और काला नमक 1 चम्मच। अब जो हमने तेल मिक्स करके रखा है मसालों के साथ, वो भी हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेते जाएंगे और सारी चीज़ों को मिलाते हुए जाएंगे। और हाँ, अगर आपके पास पिछले साल की बची हुई कोई अचार की मसाला है तो आप उसका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, आपको ये फ्रेश ऑयल लेने की तेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मेरे पास कोई अचार का मसाला था नहीं और फिर तो मैंने तैयार कर लिया नया तेल, तो इसे हम अब डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे और मिलाते हुए जाएंगे। यहाँ पे हमारी अचार जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, देखिए मैंने सारा तेल वाला मसाला पूरा डाल दिया है। हमारा जो गरम किया हुआ तेल और अदरक लहसुन मिर्च अच्छे से आपस में मिल जानी चाहिए, और हम तेल ज़्यादा इसलिए डालते हैं ना ताकि हमारी अचार लॉन्ग टाइम तक रहे, ख़राब ना हो। अगर आप कम डाल दोगे तो अचार जल्दी ख़राब होने की चांसेस होती है। तो यहाँ पे हमारी अचार का जो मसाला है, अच्छे से सारी चीज़ें आपस में मिलकर तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा लेके खा भी सकते हैं, बट इसको हम 2 दिन स्टोर करेंगे, रखेंगे, उसके बाद खाएंगे। सबसे ज़रूरी बात, हम अचार तो बहुत मेहनत से बना लिए हैं और आगे अब क्या करना है, इसे रखना है, स्टोर करना है। तो जिस भी चीज़ में आप स्टोर करें, यहाँ पे मैं कांच का एक बॉटल ली हूँ, आप जिस भी चीज़ का यूज़ करें अच्छे उसे आप अच्छे से धो लें, धूप में सुखा लें। धूप की कमी है, ठंड का मौसम है, तो आप क्या करें, इसे गर्म पानी में बॉयल करें और अच्छे से सुखा लें, कोई नमी नहीं हो इसके अंदर। तो इसमें आप स्टोर करके आप काफ़ी टाइम, लंबे टाइम तक रख सकते हो, अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और हमने इसे विनेगर भी डाला है तो ख़राब तो बिल्कुल नहीं होगी। जल्दी हमारी अचार बनकर तैयार हो गई है और 1 से 1.5 दिन के अंदर खाने के लिए भी तैयार हो जाती है। इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। सीज़न है, अभी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो देर किस बात की है। आप भी इस अचार को ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। मुझसे जुड़े रहने के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर से करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।